8 से 10 पुलिस ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन पर लगाए हैं दोनों एनए में। तो एनए 194 पोलिंग स्टेशन है, एनए जो है 237 में, और जो दूसरी एनए है उसमें 330 पोलिंग स्टेशन है मलीर में, कुरंगी में, उसमें भी यही सिलसिला है पुलिस की डिप्लॉयमेंट का। और साथ साथ QRF के तौर पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी होगी और वो भी अच्छी खासी उसमें तादाद नफी लगाई गई है। पुलिस अफसरान का तकरीर भी किया गया है। आइए सामने जो प्लान बताया है सिक्योरिटी का, वो खातिर ख्वाह प्लान था और इंशाल्लाह पुलिस की नफी बहुत बेहतर अंदाज से होगी। साथ साथ रेंजर्स और आर्मी की जो डिप्लॉयमेंट है उसके लिए भी कल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से डायरेक्शन पास ऑन हो गई है, और इस दफ़ा QRF के तौर पर आर्मी और रेंजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है तमाम पोलिंग स्टेशन पर। साथ साथ पुलिस की नफरी के साथ मैं CCTV कैमराज की बात करूँ, हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ भी जो है वो CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो NA जो 237 है उसमें 112 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं, और जो NA 239 है कोरंगी उसमें 257 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। तो इस तरीके से हमारे CCTV कैमरे के इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर भी कल शाम तक इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, क्योंकि परसों डिस्पैच है। रेंजर्स की बात भी होगी, वो डिप्लॉयमेंट की QRF मोड की तरह होगी, और थर्ड टीयर फोर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हासिल की गई है। आज उनके भी जो है वो मौजूद थे ऑफिसर्स वहाँ मीटिंग में, उन्होंने बताया कि QRF मोड के तौर पे और स्टैंड बाय पे आर्मी अवेलेबल होगी, किसी भी नाखुशगवार वाक्य की सूरत में आर्मी वहाँ पहुँच जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है पोलिंग के प्रोसेस में। आज भी मैंने बात की, कल भी मैं डिस्ट्रिक्ट में गया था, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कॉल की थी, वहाँ भी ये कहा कि आप प्रिजाइडिंग अफसर को सेंसिटाइज करें। तो कल हमने RTS की ट्रेनिंग रखी है वहाँ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तमाम प्रिजाइडिंग अफसर आएंगे। मैंने कहा था कि DC भी मौजूद हो, SSP और DRO हो, और वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर को बता दें कि वो सरकारी मुलाजिम है और हर पोलिंग स्टेशन पर लाइन ऑर्डर को मेनटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। तो कोई भी ऐसा अमल ज़ाय ना करें जिससे किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को ये महसूस हो कि वो प्रिजाइडिंग अफसर का रोल जो है वो बाइज्ड है। तो ये बिल्कुल ख़ास तौर पर उनको हिदायत कर दी गई है और की जा रही है। और CCTV कैमरे की इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है उसमें भी हमने किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान को पैकिंग इनवाइस पर लिख के दिया जा रहा है कि आपका पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव है। तो जब वहाँ पहुँचेगा तो उसे मालूम हुआ कि मेरा पोलिंग स्टेशन हाईली सेंसिटिव है, क्या यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, फिर वो कन्फर्मेशन करेगा कंसर्न RO को कि ये चीज़ है मौजूद है। तो ये भी इकदाम देखें ना, आपने पॉइंट आउट किया और हम भी कहते हैं कि प्रोसीजर बेहतर से बेहतर अंदाज होता रहे। मीडिया के पास जिनके पास भी हमारे मौजूद मीडिया के हजरात हैं उनके जो ECP का एग्रीडेशन कार्ड हो तो उनको प्रॉपर से उस प्रोसेस को मॉनिटर करने की से इजाज़त दी जाए और रिकॉर्ड ना बने इसमें। तो आप भी, मैं ये कहूँगा, प्रोसेस की एक न्यूट्रल मॉनिटरिंग करें और तस्दीकशुदा खबर जो है वो आवाम तक पहुँचाए, मीडिया के थ्रू आ जाए। फोकस होता रहा हमारा कि सुबह जो टाइमिंग है पोलिंग स्टेशन पर वो रात को ही अमला वहाँ पहुँच जाता है पोलिंग स्टेशन पर, और सुबह टाइम पे पोलिंग स्टार्ट करने का बाकायदे कंफर्मेशन जाती है, हम तमाम प्रिजाइडिंग अफसर से लेते हैं। तो इस वो भी इंश्योर कराएंगे कि तमाम पोलिंग स्टेशन सुबह वक्त पर पोलिंग का अमल शुरू हो।